राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो कान्हा जी के भोग की ही रेसिपी है। बिना अनाज के हम व्रत रखते हैं, हम अनाज नहीं खाते इस दिन, तो इसलिए हमने खीर बनानी मखानों की जो कान्हा जी के भोग में बनती है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। पैन लेना है आपने, देसी घी लेना है और देसी घी में आपने मखाने रोस्ट करने हैं। 2 या 1.5 कप आप मखाने लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। ऐसे ही आपने जो ड्राई फ्रूट है, काजू या बादाम जो आपके पास है, आप उसको रोस्ट करिए। फिर जैसे मखाने ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पे आपने मखानों के साथ सूखा नारियल होता है, थोड़ा सा सूखा नारियल मखानों के साथ ग्राइंड करिए। फाइन पाउडर बनाइए इसका। और फिर हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। ये जो खीर बनेगी वो 1 लीटर दूध की बनेगी। तो यहाँ पर हमने फुल क्रीम वाला दूध लिया, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। बस दूध लेना है यहाँ पे आपने, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बॉईल दिलवाना है। और यहाँ पे इलायची पाउडर डाला है, मखानों का पाउडर डाला है जो हमने ग्राइंड किया था, ड्राई फ्रूट डाले हैं, थोड़ा सा केसर कलर के लिए डाला है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। चीनी डाल सकते हैं, आप जितना मीठा लेते हैं उस हिसाब से चीनी डालिए आप यहाँ पर। और थोड़े से मखाने डालिए अलग से, बस आपकी खीर रेडी है। जैसे ही खीर का कलर चेंज हो जाएगा आपकी खीर रेडी है भोग के लिए। तो इस बार जन्माष्टमी में ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, खाइए और लड्डू जी को भोग लगाइए। राधे राधे।